थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं ज़्यादा मिला दिया तो। इसको मिक्स कर लेते हैं। जीली उमर सारी, देखते हैं इसको लगा के कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं पूरे दीवारों को कलर करने वाली हूँ। वाइट कलर से तो मैंने कर ही दिया हुआ था, बट अभी इस पर कलर मैंने किया ही नहीं था। जा रहा मैं तुमको था। और इतना जो है वो पेंट हो चुका है, जब ये सूखेगा ना तो इसका असली कलर जो है वो पता चलेगा। अभी ये समझ में नहीं आ रहा, तब इतना ही किया था। देखिए बहुत टाइम लग रहा है, तब तक अम्मा के पापा को चाय बना के देनी थी, तो चलिए हम चाय बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने पेंटिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है दीवारों की। और ऐसा हुआ कि आज मैंने किया और कल बारिश आई है तो पूरा कलर भी निकल गया, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा। अब इसी बारिश की वजह से मैं कर भी नहीं रही थी। तो बहुत सारे लोग के ये सवाल आ रहे थे कि अपना आपका घर बन के कितना कम्प्लीट हुआ है, कितना काम हुआ है और कितना पैसा लग रहा है। तो पैसा तो बहुत लग रहा है। देखिए, आप पेंट ही खरीदने चाहिए, 1000-2000 रुपये कैसे लग जाते हैं। आप लेने जाएंगे किराया भाड़ा लगा के, फिर आएंगे तो लाइट नहीं है, टीवी बंद करो, एकदम लाइट नहीं है सच में। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पैसा बहुत लग जाता है। और वैसे ही आप लोगों को, मेरा घर जो है वो मेन हाईवे पे है, तो अगर मैं इसकी प्राइस बताऊं तो करोड़ों में इसकी प्राइस है। तो ये मैं शो ऑफ के लिए नहीं बता रही हूँ, जिससे बहुत सारे लोग निगेटिविटी करके चले जाते हैं। और ये घर बनने के बाद, इसका रिपेयर करने के बाद, ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा। और हम ना एक पूजा भी रखने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आप सबके साथ मैं ब्लॉग तो शेयर करती हूँ, करती ही रहूँगी, तो बहुत जल्दी। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। देखिए कि क्या होता है कि कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा होता है। और बस ये ज़िंदगी है, ये सबके लाइफ में है, कोई मेरे आपके लाइफ में नहीं है, सबकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और हमारे पास दो रूम, एक और छोटा सा रूम है, एक किचन है, तो मतलब इतना ही स्पेस है। तो उसमें जितना कुछ मैनेज करके रखना होता है। अब सब लोग अपने घर को सजा के ही रखते हैं, कोई नहीं चाहता है कि उसका घर ऐसा दिखे वैसा दिखे, या इस तरह के कमेंट आप लोग करें कि अरे घर गंदा रखा है, फैला हुआ है, वगैरह 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 चीज़ें। तो बहुत सारे लोग मिट्टी के घर भी हैं लेकिन अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी है, जिसका भी घर है, उसको देखिए। अब मेरे पास सिर्फ एक काम होता ना कि मैं सिर्फ 24 घंटे घर सजाती, मैं नहीं कर पाती हूँ फिर। और ये कलर तभी का है जब हमने ये वाली दीवारें कलर की थी मेरे सिस्टर लोगों ने। तो मैं ऐसे ही हुलिये में इसलिए हूँ क्योंकि कलर करने के बाद मैं तुरंत नहाने जाऊँगी। और मैंने इतने सारे कपड़े भिगोए हैं, तो मुझे वो भी वॉश करने हैं, इसलिए मैंने सोचा। ऐसा नहीं मैंने सुबह से नहाया हुआ था, लेकिन आज मैंने इतनी घर की सफाई करी है। पूरे ब्लॉग भले ही नहीं बनाया है, लेकिन बहुत सारा काम किया हुआ है। तो आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, पूरा कलर हो जाने के बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अच्छी चाय बनाने की ट्रिक देती हूँ, आप ऐसे इलायची ले लीजिए और अदरक ले लीजिए, कि मैंने हाथ धोया हुआ है, ये कलर छूटा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, दूध जो है वो हमारा गर्म हो रहा है। ठंडे दूध में कभी चाय पत्ती नहीं डालें, जब दूध में एक उबाल आ जाए तभी चाय पत्ती डालें, आपकी चाय बहुत टेस्टी बनेगी। अब देखिए, अब जाके मैंने इसमें डाली है चाय पत्ती और ये अदरक और इलायची। और देखिए, ये मैं सिंक में डाल देती हूँ। ओहो, चाय का कलर बहुत अच्छा आया है। तो अभी सारे काम धाम निपटा करके अब मैं जाके नहा के आई हूँ। और 7:30 आज रात, मतलब शाम के 7:30 बज रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। मुझे एक बहुत ज़रूरी वीडियो शूट करना था, मतलब इंस्टाग्राम का। मैं सोचा कि दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं सोचा अभी मैं कर लेती हूँ। अभी दिया बत्ती भी करना है भगवान के यहाँ मंदिर में, और मेरे को ज़रूरी से वीडियो शूट भी करके देना है, खाना भी बनाना है, सारे काम मेरे बचे हुए हैं। तो ऐसा होता है, ये नहीं है, आसानी से कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये सब चीज़ें गलतफहमी होती है कि बहुत, मतलब तो मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। अच्छा, जिनके घरों में 2-4 लोग हैं वो तो बहुत इजीली मतलब काम कर लेते होंगे,
शायद उनकी लोग हेल्प करवा देते होंगे, बट मुझे मेरे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, मेरी कोई हेल्प नहीं कराता है। थोड़ी सी आईब्रो सही कर ली और मुझे एक और चीज़ लगानी है। इधर से लाइट शायद कम आ रही होगी, ऐसे देखिए शायद समझ में आ रहा होगा। वो है ये पाउडर, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना बेडशीट का ऐड करना है। बेडशीट आई है मेरे को बहुत टाइम से और मुझे लग गया था, मुझे 7-8 बेडशीट आई हुई है। चाय का बर्फी का बर्फी खाए वाला है। धोखा हो गया आपके संगे, ना बर्फी मिलल ना चाय। और देखिए यहाँ पे मैं रम्या के पापा हमारे घर में ना पता नहीं क्या, मैं इतनी शौकीन तो शुरू से मिठाई की थी, बट इतनी ज़्यादा मतलब क्रेज़ी मिठाई हमारे यहाँ पे रोज़ आता है। और भले 2 बर्फी आए, 2 लड्डू आए, 3 आए, मतलब कि लेकिन आएगा ज़रूर। तो यहाँ पे लाके पता नहीं कब से ये रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको जो है वो दे देती हूँ। तो एक एक सबके लिए लेके आए थे, 3 लेके आए हुए थे घर पे। और ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कृपया करके मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे इनको चाय वगैरह देने के बाद मैं आ गई यहाँ पे रूम पे, और मुझे बेडशीट का ऐड करना था, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देख लिया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने वहाँ पे करके अपलोड किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि पहले बिस्तर की सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। और सच बताऊँ ना, रोज़ सामान बढ़ता जा रहा है, बट घर का क्या करें, घर को कैसे बढ़ाए, घर तो उतना ही है। तो मैं एक बड़ा वाला बॉक्स या फिर अलमारी लेने को सोच रही हूँ। और मैं गाना गा रही थी, और मैं गाना गाते गाते ही अपने सारे मतलब मोस्टली काम करती हूँ। तो ये बेडशीट रियली बहुत प्यारा था, मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ बट हाँ बातों बातों में निकल जाता है। और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था, तो मैं अपना बेड के अकॉर्डिंग जब भी मैं चूज़ करती हूँ ना, तो देखती हूँ कि ब्राउन है तो मैं कैसे लूँ, तो लाइट कलर लो, डार्क कलर में थोड़ा सा अच्छा रहता है, गंदा जल्दी नहीं होता है। और वैसे मेरे घर में बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, तो मेरे यहाँ पे तो ऐसे भी बहुत गंदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अपना ही मन नहीं भरता है, हर दूसरे तीसरे दिन बार मन करता है कि चेंज कर ले थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए बंदर की तरह मैं भी चढ़ के चली आई, और मैंने सोचा कि चलो अपना काम है तो उसको करना ही है, तो क्यों ना हम उसको फटफट से जल्दी से अपना काम जो है वो ख़त्म करें। और मतलब कि रात का समय होता है तो कभी कभी मैं ब्लॉग शूट भी कर लेती हूँ, और सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ती है, एडिटिंग वगैरह हुआ, मतलब तो इतना आसान सब कुछ नहीं होता है। इसके चक्कर में शांति की लाइफस्टाइल पे ब्लॉग नहीं, मतलब वीडियोस वहाँ पे मेकअप की मतलब पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बस शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स डालती हूँ, शॉर्ट्स से रेवेन्यू कम बनते हैं, बहुत ज़्यादा कम बनते हैं। बिलीव करें, मिलियन व्यूज़ अगर आएंगे तब आपके $1 बनते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। $100 भी उस चैनल पर मैं कम्प्लीट नहीं कर पाती हूँ। ऐसे दिखिएगा आई थिंक। देखिए मेरा बेड कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चल रही हूँ मैं अभी खाना बनाने के लिए, और खाने में मुझे बनाने हैं आज दही वाले आलू, और अप्पे बनाने हैं मुझे सुबह में।
तो उसका प्रिपरेशन क्या करना है, जैसे कई बार घोल के भी रख देते हैं लेकिन मैं इंस्टेंट ही बनाती हूँ थोड़ा सा दही बचा के, तो आगे मैं वीडियो आप सबके साथ चलिए शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रम्या, वाह क्या पोज दे रही हो, और रम्या को पसंद ही नहीं है फ्रॉक पहन के रहना लड़की की तरह एकदम, मतलब कि क्या बोलू, जितनी बड़ी होती गई मेरी बेटी ने। ये देखिए पूरे बेडरूम में बेडशीट वगैरह बिछा दी है और तीन मेरी ना ऐसे ग्रीन ग्रीन यहाँ पे चूड़ियां टूट गई हैं। तो कैसा लग रहा है, ये बेडशीट अभी मुझे रिसीव हुआ था इंस्टाग्राम से, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मम्मी क्या कर रहे हो? ये रहा था ना धनिया पत्ता है, पूरा फ्रिज मेरा भरा पड़ा है सब्जियों से। ये रहा हरी मिर्ची, ये रहे हमारे दो लाल लाल प्यारे प्यारे टमाटर, और इधर आइए देखिए इन सबको मैं धो लूंगी, पहले तो मैंने यहाँ पर बर्तन धुल के रखे हैं, इनको लगाने हैं। ये सब्जियों की तैयारी हो गई, और यहाँ पे देखिए दही को ना मैंने छान लिया है, और चाहिए हुई स्पैचुला अंग्रेजी बोलती हूँ मैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज 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 बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दही को ना मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई जैसे फुटका फुटकी नहीं है। और एक और काम करेंगे साथ साथ में, हम ना मसाले भी ना घोल के रख लेंगे, जो भी मसाले हम डालेंगे उसमें उसको घोल के हम लोग रख। किस चीज के लिए मम्मी? आज दही वाले आलू बनाऊंगी। दही वाले आलू मतलब मीठे या तीखे? मठा वाला। अरे बनाने बनी कोई बार कुछ ही भुला चढ़ू, और वो आइए गली देख ला तेरे लोग दिखाइए दा। आओ आओ कहीं जा तड़ू, आओ बहुत तंगी है, बहुत तंगी है। तो मसाले भी घोल के रख लेते हैं। अब प्याज और लहसुन हम सावन में नहीं खा रहे हैं, तो प्याज लहसुन आप डाल लीजिएगा अपने हिसाब से अपने पसंद से उसमें, और बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता भी मैंने डाल दिया हुआ है। इन आलूओं को मैं ऐसे दही में डाल दूंगी, डाल के छोड़ दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया हुआ है, टमाटर को थोड़ा सा ना हम टॉप होने देंगे। यहाँ पे जिस तेज में लहसुन प्याज डाल सकते हैं, और ये जो मसाले हमने रखे थे घोल के वो भी मैंने डाल दिया। फाइनली हमारी जो सब्जी है वो बनके एकदम रेडी सेडी हो चुकी है, मतलब बहुत टेस्टी बनी हुई है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब हम जल्दी जल्दी खाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे मैंने सेक ली हैं रोटियाँ, और रोटियों में मैं लगा दूंगी घी, और ये घी मैंने घर पे ही बनाया था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी करूंगी कि मैंने कैसे बनाया हुआ है। और देखिए मैं थोड़ी बहुत एकदम छोटी छोटी पतली पतली रोटियां भी नहीं बनाती हूँ, और ना बहुत बड़ी मोटी ऐसे रोटियां, मैं मीडियम साइज़ की ही रोटियां बनाती हूँ। और आज मैंने एकदम सिंपल वाली ही रोटी बनाई हुई है, क्योंकि देखिए रम्या के पापा का ना एक मतलब शुरू से ही है कि तीन रोटी खाना है तो तीन, या दो खाना है तो दो, तो मैं थोड़ी सी ना मतलब बड़ी छोटी साइज़ की रोटी से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की ही रोटी बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि वो दो या तीन खाएं या चार खाएं जो भी, तो मतलब वो उनका मतलब पोषण पूरा हो जाता है, ये चलाकी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियों में घी लगा लूँगी, और फिर उसके बाद मैं अपनी थाली भी लगा लेती हूँ। एक रोटी मैंने पहले ही हटा दी थी जो दूध रोटी में खाते हैं, तो उसमें घी रहता है तो उनको पसंद नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, सच में रियली बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी रख लिया है, और यहाँ पे मैं दो रोटी ही रखूँ, क्योंकि दूध के साथ भी उनको रोटी है, रात का खाना है, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब हैवी जो है वो डिनर नहीं करते हैं, और मैं तो मतलब बिल्कुल भी कम खाती हूँ। यहाँ पे देखिए चावल जो इस तरीके से होते हैं ना, पहले कटोरी में रख दीजिए फिर उसको पलट दीजिए, तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये हो गई दूध रोटी, तो मैं थोड़ा इसको एक घंटे छोड़ मतलब एक घंटे नहीं एक दो मिनट छोड़ दूंगी। यहाँ पे देखिए हमारा खाना जो है वो बनके तैयार हो गया है। गिलास में मैंने पानी भी, किचन इतना बिखरा है क्योंकि खाना बनेगा तो किचन तो बिखरा रहेगा ही।
तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अभी मैं फेस वॉश करूँगी फट से, थोड़ा सा कंघी करूँगी कि रात को बाल रुक। तो आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एक ज़रूरी कॉल आ गया था। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी सब्जी ये भी मुझे बताइएगा। अरे मैं सैलेड नहीं लेती है, चावल भी उसके ऑप्शनल है, पूछ लेती हूँ, लेगी तो उसको दूंगी फेस वॉश करके। ए बेटा ए लल्ला चावल ले, बा देखो लखा के देखो कैसा लगता है। अब खाई ना ना, पहले खाएं। अरे पहले खाएं। तो रम्या के पापा का रोज का रहता है, जब भी उनको खाना दीजिए तो वो निकलवा देते हैं। खाते इतनी सा है इसीलिए देखिए कितने मतलब कमज़ोर भी हैं। तो यहाँ पे कमज़ोर मतलब कि हेल्थ नहीं बनता है। तो यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। फेस वॉश करके मुझे यहाँ पे मैंने भुट्टे खाए हैं, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, भुट्टे के गाल पे कालिक। तो पूरा किचन क्लीन करना है, पूरे बर्तन धोएंगे, मतलब सारा काम ख़त्म करके तब मैं सोती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। अभी जो कुछ भी करूँगी वो थोड़ा बहुत अगर रिकॉर्ड कर पाई तो शेयर कर दूँगी। लेकिन मुझे ना इस टेस्टी सी सब्जी देखी, कभी कभी भूख बहुत तेज़ लगती है, बस वही तेज़ वाली जो भूख है ना वो मेरे को अभी लगी पड़ी है। और ये रहा दूध रोटी, ये देखिए रम्या के पापा के लिए, तो मैं ये भी उनको दे देती हूँ। कैसा लगाता है पहले। तो हेलो जी, अभी मैंने सोचा कि मैं इस ब्लॉग को वैसे ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन फिर मुझे कुछ चीज़ दिखानी थी आप लोग। मेरा स्किन केयर अगर रूटीन पूछिए तो मैं रात को दूध की मलाई लगा के सो जाती हूँ, सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। अभी मैंने फेस पे दही अप्लाई किया था, दही वाले आलू तो खाए ही खाए हैं, साथ में मैंने दही अपने फेस पे भी अप्लाई किया। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चर उसका बना रहेगा, आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे है टन 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 बर्तन। अभी मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया है, मैं रीजन बता रही हूँ क्या था। वो कंफर्टेबल नहीं था, स्कर्ट बहुत ज्यादा घेर वाली है, बहुत घेर वाली है, मतलब इतनी घेर वाली है ना कि मतलब बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम पे देखिएगा मैंने रील बनाई हुई है, तो नहीं संभाली जा रही थी, तो मैंने अपनी ये वाली कॉट सेट डाल लिया, मतलब बहुत कंफर्टेबल है ये ड्रेस। तो इतने सारे बर्तन है, जब तक मैं इन बर्तन को धोऊंगी तब तक मेरी दही मेरे फेस पे अच्छे तरीके से जो उसको काम करना होगा वो कर देगी। और मिलते हैं आप सबसे, अब जाके फाइनल में इस ब्लॉग को ख़त्म करूंगी। इतना सारा बर्तन है जो कि मैं इकट्ठा करके ले जाके बाहर ही धो लूँगी, और उसके बाद में मैं दूध भी, देखिए आपको दिख रहा होगा तो गैस के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है, तब तक दूध भी धीमी आंच पे एकदम अच्छे से ना खौल जाएगा। उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी, और वो मैं रोज़ पीती हूँ। मेरे बॉडी का पेन बहुत रिलीफ होता है, और मैं बिना दूध के मतलब मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है अगर मैं कहीं जाती हूँ तो। और ये आदत मुझे शादी के बाद ही पड़ी है, शादी से पहले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, शादी के बाद में। अभी मैंने खाना खा के ना, खाना खाया मुझे 1 घंटा हो गया, पानी नहीं पिया है, तो पानी भी पी लेती हूँ। तो शादी के बाद में ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमेशा मतलब जब से मैं शादी करके आई तब से अब तक दूध यहाँ पे आता है 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर हमारे यहाँ पे। तो 4 लीटर कम आता है, लेकिन 3 लीटर हमारे यहाँ हर रोज़ दूध आता है। तो मुझे दूध पी के सोने की आदत है, और ये आदत बहुत बुरी भी मैं कह सकती हूँ कि है। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। खाना खा के थोड़ी देर रुक के पानी पीती हूँ, वैसे मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, बट अभी मुझे प्यास जोर से लगी थी। तो चलिए बातें करते करते ही पता चलेगा मेरी दही सूख गई है। मेरी स्किन देखिए बहुत अच्छी हो जाती है इससे, बहुत अच्छी हो जाती है। ये एकदम रियल कैमरा जो होता है फ़ोन के कैमरे से ही मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। आप देखिए स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा नहीं मुझे दाग धब्बे नहीं है, इस साइड में है, यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि वो दाग धब्बे दिखते नहीं है, है नहीं। और जब मैं पूरा फेस वॉश करूँगी ना तो लाइनर वगैरह अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। आई होप कि ये ब्लॉग पसंद आया होगा, यूजफुल रहा होगा, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।